प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके पहले के लेक्चर में हमने जो है प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस देखे, तो यहाँ दो प्रिंसिपल हमको इस लेसन के अंदर में देखना था, प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो जिस तरीके से मैंने पहले प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का स्टेटमेंट लिया, उसके बाद में जो है उसका प्रूफ लिया गया, तो उसी तरीके से उसी नेस्त पर हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस ये थ्योरम जो है हम देखेंगे, ये नजरिया हम देखेंगे, ये उसूल हमें देखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो जिस तरीके से पिछले इसमें मैंने डायरेक्टली जो है अपना स्टेटमेंट, मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इसका स्टेटमेंट बयान नहीं किया, बल्कि ये है कि मैंने पहले उसका मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट था वो लिखा और उस पर से उसको जो है मैंने एक्सप्लेन किया। इसी तरीके से हम इसको भी उसी नेस्त के ऊपर में एक्सप्लेन करेंगे, जो इस तरीके से कि प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, यहां देखिए मैं शक्ल निकालता हूं तो इस तरीके से होंगी, ये किसी भी किस्म की ये आड़ी टेढ़ी कोई एक शक्ल है, एक रिजिड बॉडी है, गर्दिश का महवर जो है वो जिस्म के नुक्ता ओ से गुजरता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा जो महवर है वो मरकज कमियत नुक्ता सी से गुजरता है, जो पहले महवर के मुतवाजी है, और ये दोनों मेहमानों के दरमियान का जो फासला है वो h है, दोनों मेहमानों के दरमियान का फासला, दोनों मुतवादी मेहमानों के दरमियान का फासला जो है वो h है, ठीक है। प्रूफ बाद में देता हूं। ये जो एक रिजिड बॉडी है, मुस्तहकम जिस्म है, इसकी कमियत कैपिटल M है, इसका जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो इस तरीके से कि आयो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, आयो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, इसको जुमले के अंदर में इस तरीके से बयान करेंगे। ये मैथमेटिकल था कि मुस्तवी के ये नुक्ता ओ जो है, ऐसे कोई भी एक नुक्ता है, मुस्तवी के किसी नुक्ते से गुजरने वाले महवर के अतराफ जिस्म का जमुत का मियार है सर, ये कोई भी एक नुक्ता है नुक्ता ओ, इस नुक्ता ओ से जो महवर गुजर रहा है इसके अतराफ इस जिस्म का जमुत का मियार है सर, ये आयो है। मुस्तवी के किसी नुक्ते से गुजरने वाले महवर के अतराफ जिस्म का जमुत का मियार है असर, मरकज कमियत से गुजरने वाले, मरकज कमियत से गुजरने वाले पहले महवर के, देखिए शर्त क्या है यहां कि वो पहले महवर का मुतवाजी हो, तो ये कि मरकज कमियत से गुजरने वाले पहले महवर के मुतवाजी महवर, पहले महवर के जो पहले महवर का जो मुतवाजी महवर है इसके अतराफ जिस्म का जमुत का मियारे असर, और ये प्लस साइन के लिए मैंने और का इस्तेमाल किया, और जिस्म की कुल कमियत और दोनों मुतवाजी महवरों के
दरमियान के फासले के मुरब्बे के हासिले जरब के, देखिए ये हासिले जरब हो गए यहां तक, इसके मजमुए के मसावी होता है। तो ये है कि जिस्म के किसी नुक्ते से, मुस्तवी के किसी नुक्ते से गुजरने वाले महवर के अतराफ, जिस्म का जमूत का मियार असर, मरकजे कमियत से गुजरने वाले पहले महवर के मुतवाजी, मरकजे कमियत से गुजरने वाले, लेकिन ये महवर कैसा होना चाहिए जो पहले महवर का मुतवाजी हो, पहले महवर के मुतवाजी हो। तो मरकजे कमियत से गुजरने वाले पहले महवर के मुतवाजी महवर के अतराफ, जिस्म का जमूत का मियार असर और जिस्म की कुल कमियत और दोनों मुतवाजी महवरों के दरमियान के फासले के मुरब्बे के हासिले जरब के मजमू के मसावी होता है। थोड़ा हल्की सी याद करने में इसको परपेंडिकुलर एक्सिस के मुकाबले में थोड़ी हल्की दुश्वारी है, लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा ऐसा कोई डिफिकल्टी ये नहीं है। फिर मैं एक मरतबा रिपीट करता हूं कि मुस्तवी के किसी नुक्ते से, और वो कोई नुक्ता, कोई भी ऐसी वो नुक्ता वो है, तो मुस्तवी के किसी नुक्ते से गुजरने वाले महवक के अतराफ, जिस्म का जमूत का भी आ रहा है असर, मरकज कमियत से, जिस्म का जो मरकज कमियत है कि जिसके ऊपर कुल कमियत मरकूज होती है, मरकज कमियत से गुजरने वाले पहले महवर के मुतवाजी महवर के अतराफ, जिस्म का जमूत का मियार असर और जिस्म की कुल कमियत और दोनों मुतवाजी महवरों के दरमियान के फासले के मुरब्बे के, फासले के मुरब्बे के हासिले जरब के मजमू के मसावी होता है। इस तरीके से यहां पर इसका ये स्टेटमेंट है। अब ये कि ये मैथमेटिकल इस तरीके से लिखने के लिए हमें जो है इन इस्तेलात को जाहिर करना जरूरी है, जो इस तरीके से होगा कि फर्जी कीजिए कि मुस्तवी का कोई नुक्ता, कोई भी ऐसी मुस्तवी का कोई नुक्ता वो है, और इस नुक्ते से गुजरने वाले महवर के अतराफ, जिस्म का जमूत का मियारे असर आयो है, जिस्म का मरकज कमियत का नुक्ता नुक्ता सी है, जिस्म का मरकज कमियत का नुक्ता ये नुक्ता सी है, इस नुक्ता सी से गुजरने वाले महवर के अतराफ, जिस्म का जमूत का मियारे असर ऐसी है, जिस्म की कुल कमियत कैपिटल एम है और दोनों मुतादी महवरों के दरमियान का फासला एच है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस ऐसा लिखा जा सकता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, बाय प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस आईओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अब ये कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख देने के बाद इसको जो है इसका सबूत देना होगा, साबित करके दिखाना होगा कि आईओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर होता है, ये साबित करना होगा। तो साबित इस तरह होगा, देखिए थोड़ा लिखने का काम ज्यादा है इसके अंदर में वर्डिंग, कोई बात नहीं। या फिर इसको ही बोल सकते हैं, समझ लो प्रूफ सबूत, ठीक है। देखिए प्रूफ किस तरीके से, कि प्रूफ लेते वक्त में जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ
परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका जब प्रूफ ले रहा था, सबसे पहले मैंने उस मुस्तवी के अंदर उस जिस्म का एक नुक्ता फर्ज किया और उसकी कमियत फर्ज किया, उसी तरीके से मैं यहां पर भी वही चीज समझ लो उसी सेंस के अंदर में इसको आगे बढ़ाता हूं। फर्ज कीजिए कि मुस्तवी में कोई नुक्ता पी है जिसकी कमियत टीएम है। फर्ज कीजिए कि मुस्तवी में इस जिस्म के अंदर इस जिस्म का कोई नुक्ता पी है जिसकी कमियां डीएम है, तो इस नुक्ता पी को नुकात ओ और सी से मिलाइए, इस नुक्ता पी को नुकात ओ और सी से मिलाइए, नुकात ओ और सी से मिलाइए। देखिए मिला दिया, नुक्ता पी को जो है नुकात ओ और सी से मिलाइए, ये नुक्ता पी को, नुक्ता पी को नुकात ओ और सी से मिलाइए। यहां देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिलाया और नुक्ता ओ को सी से मिलाते हुए देखिए पहले नुक्ता पी को नुकात ओ और सी से मिलाइए, मिला दिया। नुक्ता ओ को सी से मिलाते हुए इस खत को खारिज कीजिए, मतलब ये है कि इसे आगे बढ़ाइए, खारिज कीजिए और इस खारिज करदा खत पर उमूद, इसको कोई नाम देंगे, पीडी दे देता हूं नुक्ता, उमूद पीडी खींचिए इस खारिज करदा नुक्ता ओ को सी से मिलाते हुए, पहले मिला दीजिए उसके बाद में खत को खारिज कीजिए और इस खारिज करदा खत पर उमूद पीडी खींचिए, ठीक है। इस तरीके से ये ज्योमेट्री यहां पर हो गई। अब यहां ये देखना है, कमियत तो है हमारे पास, लेकिन ये देखना है कि उस नुक्ता पी का किसी भी नुक्ते से गुजरने वाले मेवर से उमूदी फासला क्या है, ये देखना है। कोई बात नहीं, देख लेते। तो नुक्ता पी का नुक्ता ओ से गुजरने वाले मैमर के अतराफ, नुक्ता पी का नुक्ता ओ से गुजरने वाले मैमर के अतराफ जमूत का मियारे असर, जमूत का मियारे असर, जमूत का मियारे असर, देखिए कितना होगा। कमियत तो है, नुक्ता पी की कमियत टीएम है और नुक्ता पी का नुक्ता ओ से जो उमूदी फासला है वो ओपी है, इसलिए नुक्ता पी का नुक्ता ओ से गुजरने वाले मेहमर के अतराफ जमूत का मियारे असर, या पहले मैं यहां से नुक्ता सी का निकाल लेता हूं, कोई बात नहीं, नुक्ता पी का नुक्ता सी से गुजरने वाले मेहमर के अतराफ जमूत का मियारे असर डीएम नुक्ता सी से, तो उमूदी फासला यहां पर पीसी डीएम पीसी स्क्वायर होगा, डीएम पीसी स्क्वायर होगा नुक्ता पी का नुक्ता पी का नुक्ता सी से गुजरने वाले मेहमर के अतराफ जमूत का मियारे असर डीएम पीसी स्क्वायर होगा। तो ये सिर्फ एक नुक्ते के लिए था, तो मैं ये लिखता हूं आगे कि इसी मेवर के अतराफ, इसी मेवर के अतराफ कुल जिस्म का जमूत का मियारे असर
ये नुक्ता सी से गुजरने वाले, तो कुल जिस्म का जो है वो आईसी है, जो इस तरह है, जो इस तरह है। देखिए आईसी इज इक्वल टू इंटीग्रेट डीएम पीसी स्क्वायर। मैं 7 नंबर 1 कहता हूं इसे। इसी तरीके से अब ये देखना है, क्योंकि यहां दो ही मेंबर, वहां पर ये 3 टर्म के अंदर में मैंने लाया था कि नुक्ता पी का एक्स मेंबर से ऊंधी फासला और नुक्ता पी का वाई मेंबर से ऊंधी फासला, उसी तरीके से नुक्ता पी का जेड मेंबर से ऊंधी फासला। लेकिन क्योंकि यहां पर ये दो ही मेंबर है, जो एक मेंबर जो है नुक्ता सी से गुजरता है और दूसरा मेंबर जो है नुक्ता ओ से गुजरता है, तो मैंने नुक्ता सी से गुजरने वाले मेंबर के अतराफ कुल जिस्म का जमुत का मियार सरल यहां लिखा, जो IC is equal to integrate DMPC square हो गया। उसी हिसाब से यहां पर के नुक्ता P का नुक्ता O से गुजरने वाले महवर के अतराफ जमुत का मियारे असर देखिए, नुक्ता पी का नुक्ता ओ से गुजरने वाले महवर के अतराफ जमुत का मियारे असर। कमियत तो डीएम है नुक्ता पी की और ऊंधी फासला ओपी है, तो इसे लिखा जाएगा डीएम ओपी स्क्वायर है, डीएम ओपी स्क्वायर है। तो इसी मेंबर के अतराफ कुल जिस्म का जमुत का मियारे असर आयो इस तरफ होगा, आयो इज इक्वल टू इंटीग्रेट डीएम ओपी स्क्वायर, इज इक्वल टू, देखिए के इंटीग्रेट डीएम ओपी स्क्वायर। ओपी ये जो बड़ा मुसल्लस है, इस बड़े मुसल्लस के लिए ये ओपी जो है वो हाइपोटेनियस है, वितर है, तो इसकी कुवत 2 है, इसका मुरब्बा है यहां पर, तो ये है कि इसका जो मुरब्बा है बचे हुए 2 जीरो के मुरब्बों का मजमुआ होता है, तो मैं ओपी स्क्वायर को बाय पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूं के ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। इंटीग्रेट डीएम, देखिए ओडी, ओडी इज द सम ऑफ ओसी एंड सीडी, तो यहां मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ओसी प्लस सीडी, ओडी के जगह पर रखा इसका है स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, इज इक्वल टू इंटीग्रेट डीएम। सॉल्व कीजिए इसे, देखिए ओसी स्क्वायर प्लस टॉइस ओसी सीडी, प्लस सीडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। देखिए ए जमा बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस
बी स्क्वायर और ये जमा पी डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेट डीएम, इंटीग्रेट डीएम वैल्यू रखता हूं ओसी, ओसी जो है उसकी वैल्यू है एच, तो ये हो गया एच स्क्वायर प्लस टॉइस एच सी डी प्लस सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। देखिए ये नुक्ता सी यहां पर है, सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाता हूं, तो आयो इज इक्वल टू इंटीग्रेट डीएम एच स्क्वायर, इंटीग्रेट डीएम एच स्क्वायर प्लस टॉइस एच इंटीग्रेट डीएम सी डी प्लस इंटीग्रेट डीएम पी सी स्क्वायर, इंटीग्रेट डीएम पी सी स्क्वायर। तो यहां जो है कि ये एच स्क्वायर बाहर निकाला जा सकता है इंटीग्रेट डीएम, तब ये के ये कोई एक नुक्ते की कमियत है, मैं उन तमाम नुकात को जोड़ लू, तमाम नुकात की कमियत को अगर मिला देता हूं तो कुल जिस्म की कमियत हासिल होगी, तो इस पर से मैं ऐसा लिख सकता हूं बट इंटीग्रेट डीएम इज इक्वल टू कैपिटल एम एंड दिस इंटीग्रेट डीएम सी डी इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। वाई इंटीग्रेट डीएम सी डी इज इक्वल टू जीरो, तो सी डी इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ये जो सी डी है वो एक फासला, नुक्ता डी का फासला है मरकज कमियत से, नुक्ता डी का फासला है और मरकज कमियत के अतराफ कमियत की जो तकसीम है, मरकज कमियत के अतराफ कमियत की जो तकसीम है वो सिमेट्रिक होती है, इसलिए मरकज कमियत के तारीख के मुताबिक ये जो इंटीग्रेट डीएम सी डी है वो जीरो होगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो आयो इज इक्वल टू, हाँ ये इसके जगह रखा मैंने एम एच स्क्वायर, ये जीरो हो गया, प्लस इंटीग्रेट डीएम पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर प्लस इंटीग्रेट डीएम पी सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन आई सी। तो आयो इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता कि दैट इज आयो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, आयो इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी जो पॉइंट है वो आप लोगों के समझ में आया होगा, अगर कोई दुश्वारी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक पॉइंट जो हमारे पास में है वो भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए
यूनिफॉर्म रिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग, ये तुमको देखना है, ठीक है। एक रिंग है, थोड़ा अगर मैं इसको तिरछा पकड़ू, अगर सीधा परपेंडिकुलर ब्लैक बोर्ड पकड़ा तो एक रिंग तुमको दिखाई देगी, उसको थोड़ा तिरछा किया तो इस मानिन शक्ल दिखाई देगी। इसका जो मरकज है वो समझ ले यहां पर सी है, इसको पुत्र आर है, गर्दिश का महवर इस तरीके से गुजर। तो यहां एक फर्ज किया गया कि फर्ज कीजिए कि यक्षा रिंग या फिर यक्षा रिंग की जो कमियत है वो कैपिटल एम हो। अगर यक्षा रिंग की कमियत कैपिटल एम और निष्पुत्र कैपिटल आर हो, अगर यक्षा रिंग की कमियत कैपिटल एम और निष्पुत्र कैपिटल आर हो, तो रिंग के मरकज से मुस्तवी के उमूदन, रिंग के मरकज से मुस्तवी के उमूदन गुजरने वाले मैवर के अतराफ जमुद का मियारे असर जो है वो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर होता है। यानी यहां पर ये है कि ये रिंग है, रिंग के मरकज से मुस्तवी के उमूदन, रिंग के मरकज से मुस्तवी के उमूदन, कि वो इस मुस्तवी को उमूद रहे। जैसा ये रिंग, अगर तुम्हारे सामने ये रिंग होती, ये रिंग मैंने हाथ में पकड़ा और ये गर्दिश का महवर जो है इसके मरकज से लेकिन मुस्तवी के उमूदन गुजर रहा है, तो इस सूरत में जो जमुद का मियारे असर है वो एम आर स्क्वेयर होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिश, रिंग के जगह पर जो है वो डिश की एक है कोर्स, तो ये है यक्षा कोर्स के या यक्षा कोर्स का जमुद का मियारे असर। लेकिन पिछली बार में जिस तरीके से रिंग के लिए मैंने रिंग के मरकज से मुस्तवी के उमूदन गुजरने वाले महवर के अतराफ जमुद का मियारे असर जो है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखा, जो सिलेबस के अंदर में डायरेक्ट दिया हुआ था उसका कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए हमने प्रूफ नहीं लिए, उसको डायरेक्टली हमने लिखे। लेकिन यहां जो है यक्षा कोर्स का जमुद का मियारे असर, इसका प्रूफ जो है वो हमको देना है, ठीक है। वो इस तरीके से यहां शक्ल जो है इसकी इस तरह होगी,
चला, ये जो निष्पुत्र है स्मॉल आर, इसकी जो चौड़ाई है इसकी चौड़ाई को इस तरीके से दिखाया जा सकता है कि इसकी चौड़ाई डी आर है। और गर्दिश का मेहवर जिसके अतराफ में ये डीज गर्दिश करती है, गर्दिश कर रहा है, गर्दिश के मेहवर के अतराफ ये डीज जो है वो गर्दिश करती है, ऐसा हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो शक्ल में जो है नोट्स के अंदर में ये जो शक्ल है ये थोड़ी बेहतरीन अंदाज के अंदर में है, लेकिन ये बोर्ड के ऊपर में थोड़ी टेढ़ी तिरछी, लेकिन फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां सबसे पहले मैं इस यक्षा जो कुर्स है, इस यक्षा कुर्स की, तो यहां रिंग और कुर्स दोनों में क्या फर्क है। रिंग में बीच में जो मटेरियल है वो खाली होगा, जैसा कोई वाइसर वगैरह देखा है तुमने, इसके अंदर बीच में स्पेस खाली होता है, ये रिंग के मानिंद हो गई। कुर्स जो है वो आखिरी तक भरी हुई होंगी, जैसा खिलौनों के गाड़ी को जो है पहिया लगा होता है, जैसा साइकिल का जो रिंग है वो एक रिंग के अंदर में आ गया। तो यहां सबसे पहले हमें जो है इसका निष्पकुत्र और कमियत हम बताएंगे, देखेंगे। फर्ज कीजिए कि इस यक्षा कुर्स की कमियत कैपिटल एम है। फर्ज कीजिए कि इस यक्षा पुत्र की, यक्षा कुर्स की कमियत कैपिटल एम है और निष्पकुत्र कैपिटल आर है। फर्ज कीजिए कि इस यक्षा कुर्स की, ये कुर्स जो है पूरी यक्षा है, कम ज्यादा मटेरियल इस पर नहीं है, इसकी कमियत कैपिटल एम है और निष्पकुत्र कैपिटल आर है। तो यहां इस कुर्स के एकाई रगवे की कमियत, फर्ज कीजिए कि कुर्स के एकाई रगवे की कमियत, एकाई रगबा मतलब यह है कि ये जो रगबा है वो बटे में होगा, एकाई रगवे की कमियत एम बाय पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इज इक्वल टू एम बाय पाई आर स्क्वायर। यहां मैंने तीन चीजें बताए कि फर्ज कीजिए कि इस यक्षा कुर्स की कमियत कैपिटल एम है, निष्पकुत्र कैपिटल आर है, और एकाई रगवे की कमियत, कुर्स के एकाई रगवे की कमियत सिग्मा है, जो इस तरह है सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये मैंने यहां पर इसे इक्वेशन वन देता हूं, मसावत नंबर एक। अब इसके अंदर में ये जो कुर्स है वो यक्षा दायरवी जिस्म है, ये कुर्स जो है वो यक्षा दायरवी जिस्म है, इसलिए इसके अंदर जीरो से कैपिटल आर, क्योंकि कम से कम जीरो और ज्यादा से ज्यादा निष्पकुत्र जो है वो कैपिटल आर हो सकता है। तो क्योंकि ये जो यक्षा कुर्स है वो यक्षा दायरवी जिस्म है, इसलिए इस कुर्स में जीरो से कैपिटल आर निष्पकुत्र के बहुत से यक्षा रिंग्स हो सकते हैं, इसलिए इस कुर्स के अंदर जीरो से कैपिटल आर निष्पकुत्र के बहुत से रिंग्स हो सकते हैं, जिसमें एक रिंग यहां शक्ल के अंदर में बताया गया है, जिनमें यानी डीएम कमियत और डीआर चौड़ाई और स्मॉल आर निष्पकुत्र
एक रीन शक्ल में दिखाया गया है। देखिए वैसे तो जीरो से आर निष्पु पुत्र के बहुत से रीन सिस्टम में हो सकते हैं क्योंकि ये यक्षादायिनी किस्म है, लेकिन इसमें एक रीन जो बताई गई वो ये है कि जिसका निष्पु पुत्र स्मॉल आर है उसकी चौड़ाई जो है वो डी आर है और कमियत डी एम है, एक रीन ये शक्ल के अंदर में दिखाई गई है। तो मैं इसका रकबा निकालता हूं। देखिए इस रीन का रकबा ये जो डी आर चौड़ाई की रीन है, इस रीन का रकबा इज इक्वल टू रीन का रकबा ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर। इस रीन का रकबा जो है, जो यहां पर ये शेडेड दिखाया गया है पोर्शन, इस रीन का रकबा ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर, ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर है। तो इसी तरीके से यहां पर मैं सिग्मा निकालता हूं, तो therefore this sigma is equal to, लेकिन ये जो शेडेड रीन यहां पर दिखाई गई है जिसका के रकबा ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर है, उसकी कमियत डीएम है, तो डीएम बाय ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर। देखो एकाई रकबे की कमियत, एकाई रकबे की कमियत, तो सिग्मा बराबर डीएम अपॉन ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर। डीएम सिग्मा इज इक्वल टू डीएम अपॉन ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर, ये यहां पर समझ लो इस तरीके से हमने निकाले। तो डीएम की वैल्यू निकालता हूं, तो देयरफॉर दिस डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर। डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर। अब मैं इसकी कमियत तो मिल गई, इसका जमुत का मियारे असर निकालता हूं। देखिए क्या होगा, रिंग का जमुत का मियारे असर, रिंग का जमुत का मियारे असर, मियारे असर कमियत है और ये है कि मरकज से इसका फासला आर है, तो डीएम आर स्क्वायर, रिंग का जमुत का मियारे असर डीएम आर स्क्वायर होगा। मैं इसे मसावत नंबर दो कहता हूं और इसे मसावत नंबर तीन कहता हूं, ठीक है। तो ये है कि इस कोर्स का जमुत का मियारे असर निकालने के लिए, इस कोर्स का जमुत का मियारे असर निकालने के लिए मसावत नंबर तीन को इंटीग्रेट कीजिए, मसावत नंबर तीन को इंटीग्रेट कीजिए और वहां पर जो लिमिट होगी वो आर इज इक्वल टू जीरो टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये लिमिट उसके अंदर में होगी। तो कुर्स का जमुत का मियारे असर आई से जाहिर करेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट डी एम आर स्क्वायर। और इसकी जो लिमिट है जीरो टू आर है, चलो वैल्यू रखता हूं इंटीग्रेट डीएम की वैल्यू, देखिए क्या है फ्रॉम इक्वेशन टू, सिग्मा इंटू ट्वाइस पाई आर डी आर और ये आर स्क्वायर बाकी है भी लिखना, ठीक है। देखिए डीएम की वैल्यू सिग्मा इंटू ट्वाइस पाई आर इंटू डी आर और इंटू आर स्क्वायर, लिमिट फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। देखिए जिसका ताल्लुक इस आर से नहीं है उसको बाहर खींच लीजिए, हाँ, तो ट्वाइस पाई सिग्मा इंटीग्रेट लिमिट फ्रॉम जीरो टू आर, हाँ, आर क्यूब डी आर। देखिए होगा क्या, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस पाई सिग्मा। अब ये
कि आर क्यूब डी आर, आर की कुवत 3 dr, इसका अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो इसकी कुवत 1 से बढ़ती है और बटे में उतना ही नंबर जो है वो बटे के अंदर में आता है, तो ये होगा आर की कुवत 4/4 और लिमिट फ्रॉम 0 to R। देखिए इस आर क्यूब का जो इंटीग्रेशन है वो आर टू द पावर 4/4 होता है और इसकी लिमिट 0 to R है। इस लिहाज से देखिए कि टॉइस पाई सिग्मा की वैल्यू रखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, वो है m by pi r square, और ये यहां पर लिमिट रखता हूं तो 0 रखे तो खत्म हो गए, 1/4 यहां से आ जाएंगी, कोई बात नहीं, इनटू 1/4 और ये स्मॉल r जो है कैपिटल r में तब्दील हो जाएगा आर स्क्वायर। देखो यहां पर क्या होता कि ये पाई से पाई कैंसल हो गया, उसी तरीके से ये कैंसल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल हो गया, तो जो यहां बच गया वो ये कि 1/2 एम आर स्क्वायर। देखिए यहां पर ये आर स्क्वायर जो है, यहां आर टू द पावर 4 है, ये आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कटेगा तो आर स्क्वायर फिर भी बाकी रहेगा और ये बटे में जो 2 था उसको 1/2 लिखा और ये एम बाकी है, मतलब ये है कि 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहां पर हमने यक्षा पुरुष का जमुक का मियारे असर निकाले, तो उसके लिए मैंने ये बोला कि पहले उसकी कुल कमियत फर्ज करा, उसका निष्पुत्र लिया और उसके एकाई रकबे की कमियत निकाला जिसको सिग्मा से जाहिर कर इक्वेशन 1 बोला। अब ये कि ये पुरुष जो है वो यक्षा दायरवी जिस्म है, इसलिए इसके अंदर में 0 से कैपिटल आर निष्पुत्र के बहुत से रिंग्स हो सकते हैं, जिसमें से एक रिंग मैंने यहाँ पर दिखाया जो समझ लो ये शेडेड किया गया कि जिसकी कमियां dm है और उसकी चौड़ाई dr है, निष्पुत्र r है, तो इस रिंग का रकबा निकाला जो ये खुसूसियत रखता है, तो उसका रकबा ट्वाइस पाई r इंटू dr, तो सिग्मा बराबर कमियां बटे, क्योंकि सिग्मा जो है वो एकाई रकबे की कमियत है, तो यहाँ जितनी कमियत होती है वही हिसाब का रकबा यहाँ पर होता है। तो अब ये कि ये डीएम कमियत वाले, डीएम कमियत वाले रिंग की, रिंग का जो रकबा है वो ट्वाइस पाई आर इनटू डीआर है, इस पर से डीएम निकाला, तो रिंग का जमुत का मियारे असर उसकी कमियत डीएम है और मरकज से उसका फासला जो है या गर्दिश के महवर से उसका फासला आर है, तो डीएम आर स्क्वायर मसाफ नंबर 3 बोला। इस मसाफ नंबर 3 को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं और लिमिट लगाता हूं r is equal to 0 to r, तो हमें कुर्स का जमुक का मियार असर मिलता है, r is equal to इंटीग्रेट लिमिट लगाया 0 to r dm r square, dm की वैल्यू रखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड r square, यहां से ये r dr इसके अलावा जो फंक्शन थे उसको बाहर निकाला, तो यहाँ पर इंटीग्रेट आर क्यूब डी आर लिमिट फ्रॉम 0 to R इसका इंटीग्रेशन लिया, तो ये इसकी कुवत 1 से बड़ी और उतना ही नंबर घटे में आता लिमिट फ्रॉम 0 to R, या इसको सॉल्व करें तो ये आर टू द पावर 4/4 और सिग्मा की वैल्यू जो है एम बाय पाई आर स्क्वायर, यहां से मैंने पाई से पाई कैंसिल किया और ये 2, 4 ये कैंसिल हुए, 2 × 1 = 2 × 4 और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, फिर भी यहाँ पर आर स्क्वायर बाकी रहा तो एम आर स्क्वायर तो है ही, और ये जो बटे में 2 दिख रहा है 1/2 एम आर स्क्वायर। इस तरीके से कुर्स के मरकज से इसके मुस्तवी के उमूदन, ये शर्त है कि कुर्स के मरकज से मुस्तवी के उमूदन गुजरने वाले महवर के अतराफ जो जमुक का मियारे असर है वो 1/2 mR² होता है।
ठीक है, इस तरीके से आज का ये पॉइंट हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद का जो भी पॉइंट होगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम उसे कंप्लीट करेंगे।